बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बोलो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन देखा हमने, बोलो बोलो जेड, क्या देखा था इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो जल्दी जल्दी, एम जेड स्क्वायर अपॉन एम जेड स्क्वायर ए रेज टू फोर ना, अपॉन डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, यस नो, यस सर। एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इक्वेशन देखा था माइनस एम जेड स्क्वायर ए रेज टू फोर डिवाइडेड बाय फोर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के कितनी है एम जेड स्क्वायर ए रेज टू फोर डिवाइडेड बाय एट इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस एम जेड स्क्वायर ए रेज टू फोर डिवाइडेड बाय फोर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कॉमन क्या क्या निकलेगा, एम जेड स्क्वायर ए रेज टू फोर एम जेड स्क्वायर ए रेज टू फोर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एंड वन बाय फोर कॉमन निकलेगा, मतलब कॉमन निकलेगा एम जेड स्क्वायर ए रेज टू फोर डिवाइडेड बाय ये फोर, क्योंकि यहां से फोर बाहर निकल सकता है ना, यहां पे टू बचेगा तो 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, तो यहां से 1 बाय 4 बाहर लिया तो यहां पे बचेगा 1 बाय 2, देखिए 4 2 जार 8 मिलेगा फिर से और इधर से पूरा बाहर निकल रहा है तो 1 बाय 2 माइनस 1, अब आधे में से एक जाएगा तो माइनस 1 बचेगा ना, यस नो, तो माइनस 1 मतलब माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 डिवाइडेड बाय वॉट वन बाय टू माइनस वन बाय टू मतलब माइनस वन बाय टू एंड माइनस वन बाय टू इंटू दिस मतलब एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये इक्वेशन समझ में आया टोटल एनर्जी का, यस नो, यस सर, यस नो। तो देखिए टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या सेम है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस नो, यस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यस नो। देखिए ना सिर्फ माइनस का फर्क है, सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का, और ये माइनस दिख रहा है आपको यहां पे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे m की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है, 8 इज कांस्टेंट, epsilon नॉट इज कांस्टेंट एंड h इज आल्सो कांस्टेंट, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यूज पुट की तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 ऐसी वैल्यू मिलती है इन सभी की एक्सेप्ट z स्क्वायर एंड n स्क्वायर, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और ये एनर्जी आपको मिलती है इलेक्ट्रॉन होल्ट में, किसमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन होल्ट में, ठीक है, समझ में आ रहा है, टोटल एनर्जी देखो स्ट्रीट ना, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव साइन लगाओ, या फिर टोटल एनर्जी गिवन होगी काइनेटिक निकालनी होगी तो नेगेटिव साइन यूज करो, ठीक है, राइट डाउन दिस वन।
हो गया बेटा। झाले का? हो सर। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन याद रखना होगा। ठीक है, अब सपोज अगर हमने कंसीडर किया हाइड्रोजन एटम, देखिए इधर सपोज ये है आपका हाइड्रोजन एटम, यहां पे है न्यूक्लियस, यहां पे, और यहां पे है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑर्बिट नंबर n इज इक्वल टू कितना है बेटा, ऑर्बिट नंबर n इज इक्वल टू कितना है 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज टोटल एनर्जी है TE1 इतनी, तो ये TE1 कितनी, देखिए TE1 इज इक्वल टू इक्वेशन क्या कहता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। अब हाइड्रोजन एटम का जेड कितना है बेटा, 1, तो जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1, तो n का भी स्क्वायर 1। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है, बोलो कितनी होती है, कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन होल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमने हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट कंसीडर किया यानी इज इक्वल टू 2, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी कहेंगे TE2, तो TE2 देखिए कितनी होगी, TE2 इज इक्वल टू -13.6 एज इट इज। अब हाइड्रोजन आइटम है मतलब z कितना 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर मतलब n इज इक्वल टू 2 या डिवाइडेड बाय 4, तो ये अगर डिविजन किया तो ये मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्बिट कंसिडर किया n इज इक्वल टू 3, तो उसकी एनर्जी होगी TE3, तो TE3 इज इक्वल टू -13.6 एज इट इज, 1 का स्क्वायर मतलब 1, एंड n इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे 9, तो TE3 मिलेगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए, n इज इक्वल टू 6 के लिए, एंड सो ऑन। गेटिंग? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होगी -13.6, दूसरे ऑर्बिट में होगी -3.4, थर्ड ऑर्बिट में होगी -1.51, अगर फोर्थ ऑर्बिट निकालोगे तो -0.85। इस तरह से आपको एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, राइट डाउन दिस। राइट डाउन
ठीक है, हो गया बेटा। बुकिंग आज